दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन से मॉडल की, और ये मॉडल हमारे एक मित्र हैं उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाया गया है। उनको दोस्तों फ्रंट में दो दुकानें ग्राउंड फ्लोर पर चाहिए थी, और इसके बाद एक लंबी सी गैलरी और नीचे रहने के लिए और ऊपर भी रहने के लिए ही चाहिए था। तो उन्हीं की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस मॉडल को क्रिएट किया है। काफ़ी बेहतरीन मॉडल होने वाला है। और अगर टू फ्रंट की बात करें तो ये फ्रंट है, और अगर बैक साइड की बात करें तो बैक साइड भी दोस्तों इनका जमीन है, कुछ मकान बना हुआ है। इस वजह से यहाँ पर मैंने मेन डोर और एक सिंगल डोर दे दिया जहाँ इनकी रिक्वायरमेंट थी, बाद बाकी इनका ऑलरेडी पहले से बना था। तो अगर आपका बैक साइड कुछ भी नहीं तो आप इसे रिमूव कर सकते हैं। बाद बाकी स्टेट्स वगैरह सब कुछ अभी हम आपको दिखाने वाले हैं कि कहाँ पर क्या बना हुआ है। तो बेहतरीन सा मॉडल बनकर रेडी हुआ है। अगर आपकी भी रोड पर ज़मीन है और आप चाहते हैं दुकान वगैरह काटना और बेहतरीन सा मॉडल आप बिजनेस पर्पज से बनाना चाहते हैं, तो आप इन मॉडल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो मॉडल मैंने क्रिएट किया है पूर्णतः बिजनेस पर्पज से मॉडल क्रिएट किया गया और रहने के लिए भी क्रिएट किया गया, तो दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पर इंक्लूड की हैं। तो इसी को आज हम डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में लगातार। मैं हूँ पंचाकल और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। दोस्तों अगर आपने अभी तक स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, इसमें आने वाले सभी वीडियो आप देख सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर। तो ये दोस्तों इसका ग्राउंड फ्लोर है, देख सकते हैं। अब मैं ऐसे मैक्सिमम जूम करता हूँ, आगे से रोड है और इसके बाद इनका लगभग 20 फुट जगह और आगे छूटी हुई है, तो वो देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने छोड़ दी, और इसके बाद ये देखिए दो दुकानें हैं जिसका शटर यहाँ पर मैंने दिया है, और ये मेन एंट्री है। ये लगभग आपका 14 से 15 फिट का अप्रॉक्सीमेट एंट्री है जो इनका गैलरी इनको चाहिए थी। अब हम आपको टॉप से दिखाते हैं, तब सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी, तब ऊपर से आप देखेंगे। तो ये देखिएगा ये दोस्तों मेन डोर की एंट्री है। ये बड़ी सी गैलरी, काफ़ी चौड़ी गैलरी थी, इनको रिक्वायर्ड थी, तो ये इनका चला गया। इसके बाद ये दो शॉप हैं, ये आगे आप एक्सेस कर पाएंगे, और इसके बाद अंदर जाती है मेन गैलरी से ही आपको अंदर जाना है। तो जैसे आप अंदर जाएंगे देख सकते हैं, और इसके बाद ये यहाँ पर इनका, हालांकि ये वॉल अगर पूरी कवर कर देंगे तो ये एरिया सेपरेट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर देखिए आप एंट्री करेंगे, और यहाँ पर फिर जस्ट दुकानों के पीछे जो शॉप है उनके जस्ट पीछे दो बेडरूम बनाए गए हैं। इसके बाद ये पूरा एक डाइनिंग हॉल रहेगा, बड़ा सा हॉल रहेगा इनके पास, और ये एक लेटर इन बात को मैंने कवर्ड किया है। ये आपका किचन है, और बीच में दोस्तों आप वॉश एरिया रख सकते हैं, वॉश बेसिन वगैरह लगा सकते हैं, और यहाँ पर अपना। इसके बाद ये एक और बेडरूम है। सबसे पीछे की बात करें तो यहाँ से देखिए आपको समझ में, एक ये डोर लगा है क्योंकि जस्ट पीछे इनकी मकान है उसमें भी 10 फीट की गैलरी है, तो उसी को सामने यहाँ पर लगाया। और बाद बाकी ये जो जगह बच रही है इधर से देखिए स्टेयर चढ़ना स्टार्ट होगा, और बाहर की तरफ को स्टेयर से इनकी चढ़ जाएंगी। और ये एक और यहाँ पर इनके जस्ट पीछे बेडरूम बना है, तो उसके लिए डोर मैंने दिया है, है ना। तो ओवरऑल आगे दो शॉप है, फिर दो बेडरूम है, फिर आपका लेट बाथ है, हॉल है, और ये किचन है, और ये बेडरूम है, और ये लंबी सी गैलरी आपकी बनी हुई है, और आगे दो शॉप है जैसा कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो ये तो ग्राउंड फ्लोर की बात होगी, देखिए समझ में आ गया होगा, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप भी ऐसे घर के मॉडल चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं पेड सर्विस चलाता हूँ और आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग घर क्रिएट करता हूँ, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनके अकॉर्डिंग घर क्रिएट करता हूँ। बट उसके लिए आपको कुछ पे करना होता है, और 50% पहले 50% बाद में, इसका विशेष ध्यान रखें। तो अगर आप हमसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर मुझे कॉन्टेक्ट करें, या व्हाट्सएप नंबर हमारे स्क्रीन पर भी शो हो रहा है। बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की। तो ये देखिए दोस्तों इसका फर्स्ट फ्लोर, ओवरऑल मेन डोर की जगह ये वाला डोर लगा दिया है, और दोनों तरफ विंडो वेंटिलेशन के लिए जो शॉप थी उनको भी मैंने रूम में कन्वर्ट कर दिया है। और इसके लिए देखिए दोनों के लिए आगे आपका विंडो दे दिया, आगे बेहतरीन सा छज्जा जिसमें ग्रिल वगैरह डिजाइन मैंने बना रखी, देख सकते हैं ग्रिल वगैरह लगा रखी। तो स्टेयर से जब ऊपर आ जाएंगे तो बाद बाकी सारी चीज़ें वही सिमिलर है, मैंने कोई भी चेंजमेंट नहीं किया है। देखिए पीछे का सारा पोर्शन वही है, सिर्फ ये वाली जो दुकानें थी उनको डोर लगा दिया। और इनमें खास बात है ये है कि इस वाले बेडरूम में जाने के लिए आपको इस बेडरूम से होकर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर और कोई रास्ता नहीं है, या तो आप फिर एक रास्ता ये था कि बाहर से आप डोर दे सकते थे, है ना। तो मैंने इसी बेडरूम को इससे अटैच कर दिया है, तो चार बेडरूम आपके ऊपर, एक पीछे पाँच, और लेट बाथ किचन सारा एरिया वही रहेगा, स्टेयर्स भी वही रहेंगे। तो ये एक बेहतरीन सा मॉडल आपका ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर। बात करते हैं लास्ट फ्लोर की। तो दोस्तों लास्ट फ्लोर पर पहुँचते ही 3.5 फीट का बाउंड्री वॉल गुमटी को ढकने के लिए, मतलब गुमटी बना दी स्टेयर्स को ढकने के लिए, और फ्रंट में एक बेहतरीन सी आपका ग्रिड वगैरह दे दी है। तो ये ओवरऑल मॉडल आपको बनकर रेडी होता है। अब इस मॉडल की हम बात कर लेते हैं चौड़ाई की। आगे से बात करें तो 35 फीट में मैंने क्रिएट किया, 35 इंटू 60 35 बाई 60 फीट में ये बना हुआ है ओवरऑल मॉडल।
अगर बिजनेस भी करना चाहते हैं तो इनके पास ऑलरेडी पहले से काफ़ी ज़मीन है तो अपना आराम से बना सकते हैं। तो आपको हमारा मॉडल कैसा लगा ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक से जरूर करें, कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप हमारी पेड सर्विस का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो तुरंत मुझे कॉन्टेक्ट करिएगा, व्हाट्सएप नंबर हमारा आपको स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन दोनों पर मिल जाएगा। थैंक फॉर वॉचिंग।